तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो वीवो प्रो कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 81वां मैच जो कि खेला जाएगा तेलुगु टाइटन्स वर्सेज बेंगलुरु बुल्स के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट आपको देख लेना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो इजीली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग करने वाले हो। तो वीडियो को अगर देखने आए हो तो एंड तक देखिएगा, और वीडियो को यार आप लोग है ना बिल्कुल भी लाइक वगैरह नहीं करते और ऐसे है ना काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। कल के अगर मैचेज की विनिंग करे तो वो भी आपको दिखाऊंगा, और दो क्या कुछ परफॉर्मेंस रही है, क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, एक एक चीज बताऊंगा भाई, सारी चीजें आपको बता के जाने वाला हूं इस वीडियो में। 2 करोड़ की ग्रैंड लीग है, कल भी हमने जीएल विन की है, कल भी आपको मैं दिखा देता हूं ग्रैंड लीग विन के। उससे पहले भाई जो आज युगांडा के मैचेज है उसमें आप देख सकते हो सिंगल हैंडेडली आपका भाई आपको विनिंग करवा रहा है, और क्या ही चाहिए भाई इससे ज्यादा, मतलब लगातार आपका भाई आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैचेस दे रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए 54 विनर है, और यहाँ पर भी है भाई 8 रैंक हमारी आ रही है स्मॉल लीग टीम से, इससे ज्यादा भाई क्या ही चाहिए। कल के अगर मैचेज की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ईजिली आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवा के दे रहा हूँ एवरी मैच में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, और कल हमने जीएल भी विन किया, हमारे एक मेंबर ने जीएल विन किया है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। हाँ यहाँ पर आप देखो भाई, ये वाली आप देखो, आपको दिखेगा यहाँ पर आप देखो भाई जो 3.5 करोड़ की ग्रैंड लीग लगी हुई थी ना, वो आपके भाई ने यार इजीली विन करवा दी, और आपको क्या ही चाहिए भाई आप ये बताओ, मतलब इजीली आपको अल्ट्रा क्लीनशिप करवा रहा हूँ। जो कल बंगाल वर्सेस पुनेरी के पुनेरी पल्टन के बीच में मैच था ना, सिंगल हैंडेडली विनिंग करवाई आपको, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग हर जगह विनिंग करवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए भाई। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना फुल एंड फाइनल, वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, अभी के अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, कोई फेक चैनल आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में भी लिंक मैंने दे रखा है, ठीक है। अब अगर बात करें मैच की तो रात को 8:30 पर मैच खेला जाएगा, ऑलमोस्ट 2 घंटे से भी कम का टाइम आपको मिलने वाला है वीडियो के लिए, क्योंकि अभी मैच स्टार्ट होने में 2 घंटे 10 मिनट है, जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट बहुत कम टाइम बचेगा, 1 घंटा और मुश्किल से 40 या 30 मिनट बचेंगे। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना भाई, लाइक करके ना एक बार सपोर्ट दिखा दो आप लोगों का, ठीक है। 200 लाइक करवा दो आप इस वीडियो पे, मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस देखें तो भाई यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स कहीं आगे है विनिंग के मामले में, अगर कंपेयर करोगे तेलुगु टाइटन से, सिर्फ एक सिंगल मैच जीता है, 10 मैच आ रहे हैं 11 मैच में से, आप ये देख सकते हो, सॉरी 12 मैच में से भाई यहाँ पर 11 मैच आ रहे हैं और 1 मैच जीता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें भाई बेंगलुरु बुल्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 मैच जीते, 4 जीते, 6 और 8, 8 के अलावा भाई यहाँ पर अगर इनके लॉस की बात करें तो 4 मैच ये हार के आ रहे हैं और 1 मैच इनका टाई रहा था। अब इस मैच में कौन जीत सकता है, तो भाई क्लियर आपको दिख रहा होगा कि बेंगलुरु बुल्स यहाँ पर विनिंग की दावेदार रहेगी, 2 प्लेयर यहाँ पर रोक सकते हैं बेंगलुरु बुल्स को जीतने से, वो आपको आगे पता लगेंगे तेलुगु टाइटंस के। उससे पहले अगर भाई आपका कोई भी डाउट इस मैच से रिलेटेड कमेंट करके बता देना, रिप्लाई आपका भाई करेगा, ठीक है, कमेंट आपको करना पड़ेगा, रिप्लाई मैं करूंगा। वही अगर बात करें तेलुगु टाइटंस की स्टार्टिंग 7 की, तो अभिषेक सिंह आपको दिखेंगे राइट साइड से रेड करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वहीं अगर बात करें सिद्धार्थ देसाई, मोस्टली रेड भाई लेफ्ट से करेंगे, और नहीं भाई राइट से करेगा मोस्टली रेड, लेफ्ट साइड से, इनका लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड है तो उस टाइम के बाद से लेफ्ट से रेड काफ़ी कम कर रहा है, ठीक है, राइट से रेड करेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा आपके लिए। वही अगर बात करें भाई यहाँ पर विनय वीरेंद्र की, तो ये भी भाई राइट लेफ्ट दोनों साइड से रेड करेगा, बट मोस्टली रेड इनकी रहेंगी आज लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से इनका रेडर कोई भी नहीं है। वहीं अगर बात करें भाई सुरजीत सिंह की, तो ये राइट कवर से खेलेगा। वहीं अगर बात करें भाई विजय कुमार की, तो रविंद्र पहले इंजर्ड चल रहा है, जब तक वो इंजर्ड रहेंगे तब तक भाई विजय कुमार लेफ्ट कॉर्नर खेलता नजर आएगा। विशाल भारद्वाज लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, प्रवेश बैसवाल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, दो एक लेफ्ट कॉर्नर खेलेगा विशाल भारद्वाज, लेफ्ट कवर पर खड़ा दिखेगा आपको प्रवेश बैसवाल। अब अगर बात करें बेंगलुरु बुल्स की, तो यहाँ पर भाई इनके जो मेन रेडर विकास खंडोला
बन के आए थे स्टार्टिंग में, बट अभी क्या है कि भरत भाई बहुत, मतलब बहुत अलग लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है, और अभी मेन रेडर का काम भरत ही कर रहा है, तो आपके लिए भरत भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इवन कैप्टनसी का सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। विकास को आप टीम में रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। वही अगर बात करें भाई नीरज नरवाल की, तो राइट लेफ्ट दोनों साइड से रेड करेगा। महेंद्र सिंह की बात करें तो लेफ्ट कवर पर खेलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, टीम के कैप्टन है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर हाल में आपको ट्राई करना है। मयूर जगन्नाथ की बात करें तो ये राइट कवर पर खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा सौरभ नांदल की बात करें तो ये राइट कॉर्नर पर खेलेंगे। नीचे अगर बात करें तो लेफ्ट कॉर्नर पर अमन खेलेगा। अमन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप डाउन चलती रहती है, कभी भाई बहुत अच्छी कभी बहुत खराब। तो ये तो हो गई भाई अब डिटेल, अब बात करते हैं भाई प्लेयर बैटल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहां से अगर बात करें तो इनकी मोस्टली रेड राइट से रहेंगे, यानी कि आप मान सकते हो टीम की 60% रेड राइट से रहेंगी। हालांकि सिद्धार्थ, जो मैं आपको दो प्लेयर बता रहा था ना, उसमें एक प्लेयर तो रहेगा सिद्धार्थ देसाई, क्योंकि मैं एक बार परफॉर्मेंस दिखा देता हूं आपको सिद्धार्थ देसाई की, क्या अलग लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है यार बंदा, अकेले दम पे टीम को ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट लेके कैसे जाएगा यार, बाकी सपोर्ट भी तो चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो वो सीन है भाई। अभी एक बार मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू भाई एक बार, तो यहाँ पर देखिए भाई सिद्धार्थ देसाई लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पर भाई देखिए 11 पॉइंट यहाँ पर निकाले इससे पहले वाले मैच में, यहाँ पर 14 पॉइंट निकाले इससे पहले वाले मैच की बात करेंगे, यहाँ पर 17 पॉइंट निकाले, लास्ट के तीन मैच से चार मैच से बहुत गजब परफॉर्मेंस दे रहा है बंदा, ठीक है। हर मैच में बंदा आके कमाल कर रहा है, यहाँ पर 14 पॉइंट निकाले, और भाई इससे ज़्यादा क्या ही करेगा। एक तो भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के मैच में, ठीक है। और वहीं अगर बात करें जो दूसरा प्लेयर है, वो भाई इनके डिफेंस में से कोई एक प्लेयर चलता है, बट आज के मैच में ज़्यादा चांसेस चलने के किसके वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनका जो राइट कॉर्नर है ना विजय कुमार, ये चल सकता है, क्योंकि विकास कंडोला थोड़ी सी एवरेज फॉर्म से गुजर रहे हैं, और लेफ्ट कवर परवेश बैसवाल, इन दोनों की जोड़ी आज चल सकती है, ठीक है। अब करते भाई प्लेयर बैटल की बात, तो यहाँ पर सिद्धार्थ देसाई और यहाँ से अभिषेक सिंह और विनय वीरेंद्र, इनमें से भाई 60% रेड ये डालने वाले हैं राइट साइड से। अब राइट साइड से रेड होगी तो भाई सामने वाली टीम का लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो टीम का थोड़ा सा वीक पॉइंट भी है। तो यहाँ पर आज काफी अच्छा मौका है सिद्धार्थ बाहुबली देसाई के पास एक बार फिर से सुपर 10 लगाने का, और आपके मतलब अपनी टीम को आगे लेके जाने का, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और हो सकता है मयूर अच्छी, सॉरी अमन अच्छी परफॉर्मेंस दे दे मयूर के साथ मिलके, तो इसमें क्या हो सकता है कि मयूर को आप ग्रैंड लीग में कैप्टनसी दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई राइट साइड से। अब जो बची हुई रेड जो लेफ्ट से होंगी, जो कुछ रेड यहां पर विनय वीरेंद्र लेफ्ट से करेंगे, कुछ रेड सिद्धार्थ भी लेफ्ट से कर सकते हैं, तो वो क्या होगा वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि भाई वो आएंगे राइट कॉर्नर पर, जहाँ पर सौरभ नांदल बहुत खतरनाक फॉर्म में, और लेफ्ट कवर ये भी भाई महेंद्र सिंह भी बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट आज हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ से अगर बात करें तो लेफ्ट रेडर कौन है भाई, विकास कंडोला, जो टीम की 40% रेट डालेगा 35, बची हुई 15% रेट डालेगा भाई नीरज, जिसमें से भाई ये 7-8% रेट अपने डालता है लेफ्ट से और 7-8% राइट से। तो अगर बात करें तो 50% या 45% आप मान सकते हो रेड लेफ्ट से होंगी, तो यहाँ से इनका राइट कॉर्नर कौन है, राइट कॉर्नर विजय कुमार और प्रवेश बैसवाल इनका सपोर्ट करेंगे लेफ्ट कवर से, तो इनकी जोड़ी आज चल सकती है, क्योंकि विकास थोड़ी सी एवरेज फॉर्म में और नीरज को ज़्यादा चांस मिलते नहीं है, तो ये सीन है। अब अगर बात करें भाई इनका जो मेन रेडर है भरत, जो मोस्टली रेड करेगा, ये कहाँ से आएगा भाई, भरत आएगा भाई राइट साइड से रेड करने, ठीक है। मतलब वैसे तो राइट लेफ्ट दोनों साइड से ही करता है, बट मोस्टली रेड राइट से करेगा। तो अब ये क्या करेगा भरत, भरत भाई यहाँ से सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए भरत का जो रोल रहेगा ना, वो रहेगा राइट से रेड करने का, तो लेफ्ट कॉर्नर कौन है भाई विशाल, और यहाँ से भाई इनका राइट कवर कौन है सुरजीत, जो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आते हैं दोनों, बट भरत की जो फॉर्म चल रही है ना, और जिस जो इनकी हाइट है बहुत इनके पक्ष में जाएगी, तो यहाँ पर भरतबाजी मार लेंगे, तो आज जीत और विशाल भारद्वाज के चलने के चांसेस थोड़े से कम है, तो इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में रिस्क मत लीजिएगा। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो डिफेंस से स्टार्ट करते हैं। सौरभ नांदल जो लगातार खतरनाक फॉर्म में आप देख सकते हो, हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है, यहाँ पर भी अपना i5 कंप्लीट किया। विशाल भारद्वाज लास्ट मैच में एवरेज परफॉर्मेंस, उससे पहले भाई इन्होंने भी यहाँ पर अपना i5 कंप्लीट किया था। अमन की बात करें तो अमन आज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मैं इन्हें अपनी टीम में रखूंगा। प्रवेश बैसवाल भी लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देके गए थे, आप ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें तो मैं अभी के लिए यहां से महेंद्र सिंह को ट्राई करूंगा। वहीं अगर बात करें भाई यहां से, पहले मैं जो बेंगलुरु के टीम के प्लेयर है वो चूज कर लेता हूं, उसके बाद भाई बढ़ेंगे हम यहां पर
तेलुगु टाइटंस की तरफ। यहाँ से नीरज नरवाल मस्ट पिक हो जाएगा, और यहाँ से अगर बात करें तो भाई भरत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिद्धार्थ देसाई को ले लेंगे, और एक प्लेयर जो हमारे पास चांस बचता है वो आप विनय वीरेंद्र को ले सकते हो, ठीक है। अभिषेक सिंह को आप लेना चाहो तो उसको ले सकते हो, वो भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे, बट मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और यहाँ से अगर बात करें तो देखिए जो इनकी तरफ से मेन प्लेयर रहेगा ना डिफेंस में आज के मैच में, वो भाई विजय कुमार या प्रवेश बैसवाल ये रहेंगे। तो मेरे हिसाब से भाई अभी के लिए आपके लिए प्रवेश बैसवाल ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, तो आप प्रवेश बैसवाल के साथ जा सकते हो। बाकी हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ से भाई विशाल भारद्वाज के साथ भी जा सकते हो, मैं अभी के लिए प्रवेश के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। सी वी सी की बात करेंगे, नो डाउट कैप्टनसी मैं भरत को दूंगा, और सौरभ के पास आज टैकल करने के चांसेस थोड़े से कम है, तो मैं इनको वी सी नहीं दे रहा, मैं वी सी दे रहा हूँ सिद्धार्थ देसाई को। बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भाई वी सी ऊपर से सौरभ नांदल को दे सकते हो, या नीरज नरवाल को दे सकते हो, या महेंद्र सिंह को दे सकते हो, ठीक है। अमन को सीवीसी ग्रैंड लीग में देना है। तो टीम का प्रीव्यू आपके सामने, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, अगेन एक बार याद दिला दूं, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, प्लस दो ग्रैंड लीग की टीम, कल भी हमने जीएल विन की है, ठीक है। दो ग्रैंड लीग की टीम भी मैं टेलीग्राम पर दूंगा, तो वो भी आपको ले लेनी है, और टेलीग्राम सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है। बाकी मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।